Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we have lecture number 10. It's the transmission media. So in the transmission media, why we need transmission media? What are the advantages and disadvantages of transmission media? Inshallah, we will discuss in this class. In the last lecture, we will discuss डिजिटल ट्रांसमिशन. हमने डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर उसको कंप्लीट डिस्कस किया कि डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होती है एंड व्हाई वी नीड डिजिटल ट्रांसमिशन. हमने उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी, उसमें लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग, फिर उसके अंदर आपका न्यूक्विस्ट थ्योरम था, आपका शैनन थ्योरम था, आपका एसएनआर था, आपका पीसीएम था, आपकी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के डिफरेंट मेथड्स थे, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन के डिफरेंट मेथड्स थे. हमने उन तमाम मेथड्स को डिस्कस किया था अपनी लास्ट टू लेक्चर्स के अंदर. और लास्ट क्लास में हमने अपना डिजिटल ट्रांसमिशन वाला जो चैप्टर था आपकी बहरोज़ फिरोज़न का चैप्टर नंबर 4 वो हमने कम्प्लीट किया था. ठीक है, अब देखिए, हमने जब इस कोर्स को स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने लेयर्स को डिस्कस किया. लेयर्स के बाद हम कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स के ऊपर आ गए. वो करने के बाद फिर हम डाटा एंड सिग्नल्स की तरफ चले गए. ठीक है, डाटा एंड सिग्नल्स को कवर करने के बाद फिर हम लोग डिजिटल ट्रांसमिशन की तरफ चले गए. अब एक्चुअली ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपस में एक लिंक है. इससे पहले हमने जो लास्ट 4-5 लेक्चर्स हैं उसमें हमने सारे मेथड्स देखे हैं बड़े डिटेल में कि कौन कौन से आपके मेथड्स होते हैं, सिग्नल्स ट्रांसमिट किस तरह होते हैं डिजिटल के अंदर, डिजिटल आपके एनालॉग में किस तरह कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होती है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, सिग्नल नॉइज रेशियो क्या होती है, इसके बाद आपकी लाइन कोडिंग क्या होती है, ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, ये सारे जो आपके पास जितने भी डिफरेंट टेक्निक्स थे, मेथड्स थे, ये सारे के सारे हमने जो लास्ट 3-4 लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस किए थे. अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई हमें कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, हर डिवाइस एक लेयर के साथ एसोसिएट है. जैसा हमने कहा कि राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है, आपका जो स्विच है वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है, जो आपका ब्रिज है वो भी डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है, जो डिवाइस हब है वो फिजिकल लेयर के ऊपर काम करती है, आपके जितने सिग्नल्स हैं चाहे वो एनालॉग हैं या डिजिटल हैं वो भी सारे के सारे आपके जो है फिजिकल लेयर के ऊपर काम करते हैं. तो यहाँ तक तो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है. अब हम आगे फर्दर देखेंगे. फिर हमने ये देखा कि वो सिग्नल्स ट्रांसमिट किस तरह होते हैं, फिर बिटवीन टू नोड्स कम्युनिकेशन कौन किस तरह होती है, फिर हमने डाटा एनकैप्सुलेशन को देखा कि डाटा एनकैप्सुलेशन किस तरह होती है, यूज़र की इंफॉर्मेशन सिग्नल्स तक कैसे ट्रांसमिट होती है, दरमियान में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हर लेयर अपना क्या क्या टास्क जो है परफॉर्म कर रही होती है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी. अब जो हमारा आज का चैप्टर है ट्रांसमिशन मीडिया, हमने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास गाइडेड मीडिया होता है और एक आपके पास अनगाइडेड मीडिया होता है. गाइडेड जो आपका मीडिया है वो मीडिया है कि जिसमें आप अपनी केबल्स यूज़ करते हैं. वैसे तो केबल्स की बेताशा टाइप्स हैं, आपकी आपके पास जो ट्विस्टेड पेयर है, आपके पास जो है ट्विस्टेड पेयर में यूटीपी और एसटीपी आ जाती है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर आ जाती है. फिर आपके पास जो कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल में थिक नेट और थिन नेट है. फिर आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स है, फाइबर ऑप्टिक्स में आपके पास जो है सिंगल मोड फाइबर है, मल्टी मोड फाइबर है. तो ये सारी आपकी डिफरेंट टाइप्स हैं केबल्स की. और आई थिंक अगर हम केबल्स को स्टडी करना चाहें तो अगर हम पूरा एक सेमेस्टर भी डिस्कस कर लें तो केबल्स ख़त्म नहीं होंगी, इतनी टाइप्स हैं. लेकिन हमने जो इसमें वो देखनी है जो हमारी डेली रूटीन में ज़्यादातर केबल जो हैं यूज़ हो रही हैं, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में, हमने उन केबल्स को डिस्कस करना है. अब ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर जो गाइडेड है और आज जो हम देखेंगे वो हम गाइडेड और अनगाइडेड को देखेंगे कि उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, गाइडेड मीडिया कौन कौन सी हैं. हम मोस्टली जो जो हमारी डेली रूटीन में मोस्टली यूज़ हो रहे हैं हम उन चीज़ों को देखेंगे आज के लेक्चर में. क्योंकि वैसे तो केबल्स इटसेल्फ एक फील्ड है, यानी किसी ज़माने में आपके जो सिस्को वाले CCIE सिस्को सर्टिफाई इंटरनेट एक्सपर्ट
केबल स्पेशलिस्ट एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती थी, ठीक है, जिसमें पहले वो CCNA करता था स्टूडेंट, CCNP करता था, CCIE करता था, और इस लाइट यानी कंप्लीट डिग्री होती थी, ठीक है, जो हम CCIE की बात कर रहे हैं। तो अब ये है कि अब डेफिनेटली टेक्नोलॉजी चेंज होती गई। पहले आपने अगर केबल में कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप मैनुअली केबल को चेक करते थे, अब डिफरेंट टूल्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जगह गूगल पे टाइप करें नेटवर्क फ्लूक, FLUKE, ठीक है, नेटवर्क फ्लूक, तो नेटवर्क जो आपका फ्लूक है ये एक आपके पास टेस्टिंग टूल है, जो आपके पास ये आपका एक टेस्टिंग टूल है जो नेटवर्क की केबल में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डायग्नोस करता है, आपको वो प्रॉब्लम बता देगा कि प्रॉब्लम किस जगह पे आ रही है, ठीक है, कितने डिस्टेंस के ऊपर आपकी केबल ब्रेक हो गई है, कि जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपको नेटवर्क जो आपका टूल होता है फ्लूक टूल, हम उससे चेक कर सकते हैं। लेकिन आज से 15-20 साल पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि हम इन डिवाइस को हम मैनुअली सारा देखते थे कि क्या। अब जिस तरह भी आपको पता चल जाता है जी कि समुंदर के जो है इस पोर्शन में आपकी फाइबर जो ऑप्टिक्स जो है ब्रेक हो गई है, तो वो कैसे है? इट्स नॉट मैजिक कि आपको कैसे पता चल गया कि जो फाइबर ऑप्टिक्स का लिंक है वो इस जगह पे डाउन है। तो ड्यू टू दीज टूल्स हम इन टूल्स की मदद से इन चीज़ों को डायग्नोस कर लेते हैं, अच्छा जी कि जो प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसकी रिकवरी कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह ये साथ साथ इस लेक्चर में और भी चीज़ें इसी तरह की जो है डिस्कस होती रहेंगी। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के चैप्टर को। इट्स योर चैप्टर नंबर 7 जो है आपकी बैरोस फेजन की जो बुक है उसका ये चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं कि हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो हमने अपने जो है वो चैप्टर सारे के सारे जो है डिस्कस किए। उसके बाद क्योंकि हम इसको इस कोर्स को मैं लेके जो चल रहा हूँ वो नेटवर्किंग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा हूँ कि जो चीज़ों के लिंक है, पहले हमने जो है थ्योरेटिकल लेयर्स देख ली, लेयर्स के बाद हमने अपने जो है वो कम्युनिकेशन के जितने कंपोनेंट्स थे उनको देख लिया, उनको देखने के बाद फिर हम अपनी डाटा एंड सिग्नल की तरफ चले गए, फिर उसकी जो डिफरेंट टेक्निक्स थी जो डिफरेंट मेथड्स थे उनको डिस्कस किया, फिर हम लोग डिजिटल ट्रांसमिशन की तरफ चले गए, उसके जो मेथड्स थे जो टेक्निक्स थी हमने वो तमाम डिजिटल की जितनी भी ट्रांसमिशन की मेथड्स और टेक्निक्स थे उन तमाम मेथड्स और टेक्निक्स को डिस्कस किया। तो अभी जो हम जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया की तरफ कि अब अगर आपके पास कंप्यूटर्स भी आ गए हैं, राउटर्स भी आ गए हैं, स्विचेस भी आ गए हैं, तो उनको केबल्स को आपस में लिंक किस तरह करना है। इट्स अ फिजिकल कनेक्शन और ट्रांसमिशन मीडिया जो आपका सारे का सारा जो है ये आपका जो काम कर रहा होता है ये आपका जो है फिजिकल लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है कि अब फिजिकल लेयर के ऊपर ये किस तरीके से काम कर रहा होता है, कैसे काम कर रहा होता है, वो आज हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया जो है ये हमने जिस समय आपको पहले बताया कि ये आपका फिजिकल लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है। अब फिजिकल लेयर के ऊपर क्या है कि हमने जब भी कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है आपकी बिटवीन टू डिवाइसेस, एक आपका सेंडर होता है, एक आपका रिसीवर होता है। सेंडर डाटा सेंड कर रहा होता है और रिसीवर डाटा रिसीव कर रहा होता है। अब ये देखें कि ये आपके पास सेंडर आ गया ये और ये आपके पास आ गया ये आपका जो रिसीवर आ गया। अब इट्स अ फिजिकल लेयर, ठीक है। डेफिनेटली जब मैंने कहा था कि जब भी आप डाटा एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर से लेकर डाटा लिंक लेयर तक जो सेंडर और रिसीवर होता है उनमें जितने भी कनेक्शन होते हैं वो लॉजिकल कनेक्शन होते हैं। इट्स लॉजिकल, आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन जो लास्ट लेयर होती है जो आपकी फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल लेयर में जो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है वो फिजिकल होता है। वो आपकी वायर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होती है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब जो आपके पास फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर के ऊपर जो आपकी सेंडिंग एंड जो आपकी रिसीविंग हो रही है वो जो है डायरेक्टली हो रही है। तो अब यहाँ पे आप देखें इट्स सेंडर, ये एक सिग्नल या एक डाटा ट्रांसमिट करता है और ये वो आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया है। ट्रांसमिशन मीडिया जो है अभी देखें ये केबल आर एयर,
एयर मीन वायरलेस, ठीक है। बहुत सी जगह पे वर्ड जो है वो एयर यूज़ कर लेते हैं, तो एयर से क्या मुराद है कि इट्स अ वायरलेस मीडिया, कि आपने कोई अपनी फिजिकल केबल वहाँ पे यूज़ नहीं की। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो उसमें डायरेक्ट अपनी केबल यूज़ करेंगे तो फिर आपका डाटा ट्रांसमिट होगा, सेंड और रिसीव होगा। ये जो आपके पास है, ये जो एयर है, ये आपके पास वायरलेस है, ठीक है। वायर्ड नहीं है, ये वायरलेस है। और वायरलेस के अंदर से क्या मुराद है कि आप जो है वो कोई फिजिकल डिवाइस यूज कोई नहीं कर रहे, कोई केबल यूज नहीं कर रहे, ये आपका थ्रू वायरलेस आर एयर कहते हैं इसको। तो अब ये देखें कि ये वो आपके पास, ये वो आपका वो ट्रांसमिशन मीडिया है कि जो आप यहाँ से फिजिकल लेयर से डेटे को सेंड कर रहे हैं और ये रिसीवर तक जा रहा है। ट्रांसमिशन मीडिया कोई भी हो सकता है। देखिए, मीडिया में हमने बात की है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, ठीक है। अब कोएक्सियल केबल की भी टाइप्स है, एक थिक नेट होती है, एक थिन नेट होती है। फिर हम यहाँ पे अपनी ट्विस्टेड पेयर केबल भी यूज़ कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में आपके पास जो है वो एक जो है वो आपकी यूटीपी होती है और एक आपकी एसटीपी होती है। फिर यूटीपी की डिफरेंट टाइप्स हैं, एक आपके पास जो है वो कैटेगरी वन है, एक आपके पास जो है वो कैटेगरी टू है, एक थ्री है, एक फोर है, ठीक है, एक फाइव है, एक सिक्स है। वो इट्स डिपेंड ऑन योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी क्या नीड्स हैं और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कौन सी केबल यूज़ करना चाहते हैं। फिर हम यहाँ पे एसटीपी भी यूज़ कर सकते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो केबल है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ठीक है, ये सारे का सारा आपका ट्रांसमिशन मीडियम है। ट्रांसमिशन मीडियम हम जब भी देखते हैं वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर देखते हैं। जब आप नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करने जाते हैं तो कि उसकी नीड्स क्या है, उनको क्या डाटा रेट चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, उनका बजट क्या है, आपकी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है, ठीक है, वहाँ उस रीजन में सर्विस कौन सी अवेलेबल है। ये तमाम चीज़ें देख के आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की तरफ जाते हैं या नेटवर्क डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं। यानी कास्ट भी देखनी है, परफॉर्मेंस भी देखनी है, डिले भी देखना है, लोड भी देखना है, यूज़र की रिक्वायरमेंट भी देखनी है, ठीक है। उस कंट्री या सिटी में कौन कौन सी सर्विसेज, जिस तरह हमने लास्ट टाइम एटीएम की एग्जांपल देखी थी कि आपने एटीएम का नेटवर्क तो डिज़ाइन कर लिया लेकिन वहाँ पे एटीएम की सर्विस ही अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि आपको क्या क्या चीज़ वहाँ पे रिक्वायर्ड है और आपने ट्रांसमिशन किस तरह आपस में कम्युनिकेट करनी है। अब ये देखें कि हम ये हमारे पास एक क्लासेस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया जो मैं काफ़ी देर से आपको जो वर्बली बता रहा था, अभी आप ये देखें कि ये आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया आ गया। ये ट्रांसमिशन मीडिया से देर आर टू टाइप्स, वन इज़ गाइडेड, जिसको गाइडेड को हम वायर्ड भी कहते हैं, कि जिसमें आप अपनी प्रैक्टिकल जो वायर्स को यूज़ कर रहे होते हैं वो आपके पास गाइडेड है, कि जिसमें आपके पास डिफरेंट वायर्स यूज़ हो रही हैं वो आपके पास क्या है, वो आपका गाइडेड मीडिया है। और अनगाइडेड मीडिया क्या है, ये आपका वायरलेस मीडिया है। अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया से क्या मुराद है कि जिसमें आप अपनी केबल्स को यूज़ नहीं करते, ठीक है, जिसमें आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो विदाउट केबल्स हो रही होती है, उसमें आपकी जो केबल्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती। अब गाइडेड मीडिया के अंदर क्या है कि जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, एक वैसे तो मैंने आपको बताया कि देर आर लॉट ऑफ टाइप्स, बट हम वो केबल्स या वो टाइप्स यूज़ करेंगे जो डेली प्रैक्टिकल रूटीन में यूज़ हो रही हैं। इसमें हम जो हमारे पास फर्स्ट है वो क्या है, वो आपके पास जो है ट्विस्टेड पेयर है, सेकेंड इट्स अ कोएक्सियल केबल, एंड थर्ड इज़ द फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये तीन जो हमारी मेजर कॉमन टाइप्स हैं, जो हम इनको, अब ट्विस्टेड पेयर में भी फिर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आपके पास शील्डेड ट्विस्टेड पेयर आ जाती है जिसको हम एसटीपी कहते हैं, और एक आपके पास यूटीपी आ जाती है जिसको अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। फिर यूटीपी की सिक्स टाइप्स आ जाती हैं, कैटेगरी वन आ जाती है, टू आ जाती है, थ्री आ जाती है, फोर आ जाती है, फाइव आ जाती है, सिक्स आ जाती है। ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं ये हम क्यों डिफाइन करते हैं, ये आपकी स्पीड के ऊपर डिफाइन होती हैं। कैटेगरी वन 2 मेगाबिट्स होती है, टू जो है वो 4 मेगाबिट्स पर सेकंड आपका डाटा सेंड और रिसीव कर सकती है, जो थ्री होती है वो आपकी 10 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है, जो फोर होती है वो आपकी 16 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है, जो फाइव होती है वो आपके पास 100 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है, जो सिक्स होती है वो आपके पास 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है। तो ये आपके पास जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स।
देन आपके पास क्यूएक्सएल केबल आ जाती है। क्यूएक्सएल केबल में जो बस टाइप्स हैं, एक आपके पास थिक नेट होती है और एक आपके पास थिन नेट होती है। जो आपके पास थिक नेट होती है, थिक नेट को हम बोलते हैं 10 बेस 5। 10 बेस 5 से क्या मुराद है कि 10 मेगाबिट्स उसकी स्पीड है। बेस आपके पास दो तरह के होते हैं, एक बेस बैंड और एक ब्रॉड बैंड। हमने लास्ट लेक्चर में डिजिटल ट्रांसमिशन में क्या देखा था कि जो बेस बैंड कम्युनिकेशन है वो एक वक्त में एक ही सिग्नल ट्रांसमिट करती है। तो हमारे जो कंप्यूटर्स की या राउटर्स की या जो हमारी स्विचेस की जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी आपकी बेस बैंड कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि आप एक वक्त में एक सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं सेंडिंग और रिसीविंग साइड के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं 10 बेस 5, तो 10 मेगाबिट्स बेस बैंड ये है, और 500 मीटर अगर आपके पास एक सेंडर और रिसीवर है, डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड एंड रिसीवर शुड नॉट बी एक्सीड 500 मीटर्स। ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपका एक्सीड कर जाएगा तो आपका सिग्नल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, थिननेट में क्या है कि 10 मेगाबिट्स, 10 बेस 2 कहते हैं उसको, वो आपके पास 10 मेगाबिट्स है, आपके पास बेस बैंड है और 200 में। अब मैंने आपको एक और कंसेप्ट भी समझाया था कि एक आपके पास जो है वो प्रैक्टिकल होती है और एक आपके पास जो है वो थ्योरेटिकल होती है। अब जो आपके पास प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकल हमने क्या कहा था कि जब आप अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लिमिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो 10 बेस 5 में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन 10 बेस 2 में ये डिफरेंस है कि वो जो प्रैक्टिकल है वो 185 मीटर तक सिग्नल ट्रांसमिट कर सकती है, और जो उसकी थ्योरेटिकल लिमिट है दैट इज़ 200 मीटर्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाती है फाइबर ऑप्टिक्स आ जाती है। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर फिर दो मोड हैं, एक को SMF कहते हैं और एक को डबल MF कहते हैं, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। ठीक है, जहाँ पे आपके पास लार्जेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, वहाँ पे आप सिंगल मोड फाइबर यूज़ करते हैं। अगर हम इस बिल्डिंग की आउटसाइड सारी नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अपनी सिंगल मोड फाइबर यूज़ करेंगे। और अगर आपके कॉम्पसेट्स के डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, लाइक ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, यानी ब्लॉक 1 में हम कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, ब्लॉक 2 में टेलीकम्युनिकेशन का है, ब्लॉक 3 में सिविल इंजीनियरिंग का है, तो अगर डिफरेंट ब्लॉक्स को शॉर्टर डिस्टेंस के ऊपर आपस में हमने कम्युनिकेट करवाना है तो इन दैट केस वी विल यूज़ मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया कि जो गाइडेड मीडिया है इसके अंदर आपके पास एक ट्विस्टेड पेयर आ गई, देन कोएक्सियल केबल आ गई और आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स आ गई। ये तीन टाइप्स हो गई कि एक ट्विस्टेड हो गई, एक आपके पास जो कोएक्सियल हो गई और एक आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स हो गई। अब हमारे पास हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की। अनगाइडेड मीडिया जो है, जो आपके पास वायरलेस है, ठीक है, जिसको यहाँ पे हमने नाम लिखा है फ्री स्पेस, बिकॉज ये आपके पास फिजिकल केबल्स यूज़ नहीं करते, फिजिकल आप इसमें वो यूज़ नहीं करते, तो इसमें आपके पास क्या है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आ जाती है, आपकी सेटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाती है, वाईफाई है, ठीक है, आपका ब्लूटूथ है, आपकी इंफ्रारेड है, ये सारी की सारी जो आपकी हैं ये अनगाइडेड हैं, ये वायरलेस हैं। याद होगा आपको कि इंफ्रारेड जब शुरू शुरू में आया था तो हम दो मोबाइल्स को सेम लाइन ऑफ साइट में रखते थे और एक बहुत स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर रख के हम फाइल्स को ट्रांसमिट किया करते थे। ठीक है, फिर आपके पास ब्लूटूथ आ गया। ब्लूटूथ के अंदर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने दोनों मोबाइल्स को एक लाइन ऑफ साइट में रखें, आप एक वहाँ आप अपने फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसकी रेंज भी थोड़ी सी बेहतर है ब्लूटूथ की कंपैरेटिवली इंफ्रारेड के। ठीक है, तो ये जितने भी आपके पास जो है टेक्नोलॉजीज आ गई, जितने भी चेंजेस आ गई, ये सारी की सारी आपकी वायरलेस है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि गाइडेड में और अनगाइडेड में क्या डिफरेंस है, गाइडेड की टाइप्स कौन कौन सी हैं और अनगाइडेड की टाइप्स कौन कौन सी हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट गाइडेड मीडिया को कि गाइडेड मीडिया विच आर दोज दैट प्रोवाइड अ कंडक्ट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इंक्लूड ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। मैंने जैसे लास्ट अभी स्लाइड में बात की है कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू नोड्स आर बिटवीन टू नेटवर्क्स फ्रॉम सर्टेन डिस्टेंस वी कैन यूज कोएक्सियल केबल, वी कैन यूज ट्विस्टेड पेयर एंड वी कैन यूज फाइबर ऑप्टिक्स ऑन आवर
ऑन अवर रिक्वायरमेंट्स। अगर मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो 10 मेगाबिट्स की है तो आई थिंक वी डोंट नीड 100 मेगाबिट्स और 1000 मेगाबिट्स और गीगाबिट। तो जो यूज़र की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, हम उस रिक्वायरमेंट के ऊपर उसको देखते हुए अपना केबल, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है यूज़ करते हैं। तो गाइडेड मीडिया में हम टॉपिक्स वी विल डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक्स इन दिस सेक्शन। नंबर वन इज दैट ट्विस्टेड पेयर केबल, नंबर सेकंड इज दैट क्विक्सिल केबल, एंड नंबर थर्ड इज दैट फाइबर ऑप्टिक्स। हम देखेंगे ट्विस्टेड पेयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ट्विस्टेड पेयर का यूजेज क्या है, ट्विस्टेड पेयर का ड्रॉबैक क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्विक्सिल केबल्स के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, और आपके पास थर्ड क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये जो तीनों आपकी हैं, ये तीनों के तीनों जो आपकी कैटेगरीज हैं, ये आपकी फाइबर ऑप्टिक्स से जो है ये आपके तीनों के तीनों आपकी गाइडेड मीडिया से लिंक्ड है। अब गाइडेड मीडिया हम वन बाय वन देखते हैं कि पहले ट्विस्टेड, कोएक्सियल एंड फाइबर। आगे देखें कि ये आपका जो ट्विस्टेड पेयर है, ट्विस्टेड मीन इसमें ट्विस्ट कि आपकी एक केबल के ऊपर दूसरी केबल आपकी लिंक्ड है। आप ये देखें जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर, यहाँ पे आपके पास जो दोनों हैं ये आपके क्या है, इंसुलेटर्स हैं। ये आपकी यानी आप देखें ये एक ट्विस्ट बन रहा है। आप अगर इसको देखें तो ये आपके पास ये ट्विस्ट है। आप इसको देखेंगे यहाँ से ये ट्विस्ट है। तो ये और दूसरे एंड पे आप क्या कहते हैं, इसको कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। जो आपकी वन एंड है इसके ऊपर क्या हम यूज़ कर रहे हैं, हम इस पर इंसुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे एंड के हम ऊपर क्या यूज़ कर रहे हैं, हम वहाँ पे कंडक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये ट्विस्ट का मतलब क्या है कि हमने दो केबल्स को आपस में ट्विस्ट किया होता है, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी में एक रेड केबल होती है, एक ब्लैक केबल होती है, ठीक है। और जो आपका करंट आ रहा होता है वो रेड केबल में आ रहा होता है, जो ब्लैक होती है वो सर्किट कम्प्लीट कर रही होती है या अर्थिंग के लिए होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपके पास ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है, हम इसमें एक तो इंसुलेशन इस तरफ से और दूसरी आपके पास क्या है, वहाँ पे आप अपने कंडक्टर्स को जो यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे एक आपके पास, इसमें हमने बात की थी कि ये आपके पास एक आपकी यूटीपी होती है जिसको आप अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे जो आपका प्लास्टिक कवर है, ये आपके पास डायरेक्टली एक ट्विस्ट बना हुआ है यहाँ पे, जिस तरह इंसुलेटर्स हैं और ये आपके कंडक्टर्स हैं। और दूसरा जो आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है जिसके ऊपर आपके प्लास्टिक कवर, आप ये देखें कि हमने मेटल शील्ड बेसिकली, आपको मैं ये बताता चलूँ कि एसटीपी और यूटीपी का यूज़ कहाँ पे। देखें ये एक रूम है, अगर मैं इस रूम के अंदर आई एफ 5 और 10 कंप्यूटर्स और मैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे यूटीपी यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरी जो केबल मूव होगी, जो मेरी केबल ले होगी वो इसी वन रूम में होगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे दो कंप्यूटर्स यहाँ पड़े हैं, दो दूसरे रूम में पड़े हैं, दो तीसरे रूम में पड़े हैं, और मैंने इस वॉल से केबल को बाहर क्रॉस करना है, तो फिर मुझे थोड़ी थिक केबल चाहिए, क्योंकि माइट भी जब मैं ड्यूरिंग मैं अगर इस वाल में होल करता हूँ, केबल को बाईपास करता हूँ, तो माइट बी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो केबल आपकी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि वो एक रूम से दूसरे रूम या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रही है। तो वहाँ पे आपको ऐसी केबल चाहिए कि जिसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा आपकी जो हो, जिस पे आपकी एक्स्ट्रा जो है प्रोटेक्शन हो। अब आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में, अगर आप देखें तो यहाँ मैं जब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मेटल शील्ड, तो ये एक एक्स्ट्रा आपके पास शील्ड है जो इसके ऊपर इसको कवर किया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसटीपी कहते हैं। ये जो आपके पास एसटीपी है, ये आपके पास एक्स्ट्रा एक कवर है जो हमने इसके ऊपर यूज़ किया है, ठीक है। एसटीपी स्टैंड फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास नॉर्मल आपके चैनल्स हैं, जहाँ पे आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आप यूटीपी यूज़ करेंगे। जहाँ पे आपके पास आप एक रूम से दूसरे रूम में लेके जा रहे हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप एसटीपी यूज़ करेंगे। आगे इनकी फर्दर टाइप्स दोनों की हैं। एसटीपी में हम नॉर्मली मोस्टली कैट 5 और कैट 6 यूज़ करते हैं, ठीक है। एक आपकी 100 मेगाबिट्स की है और एक आपके पास जो है वो 1000 मेगाबिट्स की है। जबकि जो आपके पास जो आपकी यूटीपी है, इसमें कैटेगरी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। यानी जो 1 है वो आपके पास 2 मेगाबिट्स है, जो 2 है वो आपके पास जो है वो 4 मेगाबिट्स है, जो 3 है वो आपके पास
10 मेगाबिट्स है, जो 4 है वो 16 है, 5 है वो आपकी 100 मेगाबिट्स है, और जो 6 है वो आपके पास 1000 मेगाबिट्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं ये, ठीक है। इसको आप चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स की व्हाट यू वांट, ठीक है। आपको किस तरीके का नेटवर्क बिल्ड करना है, आपको किस तरह की सर्विसेज चाहिए, वो आप इस बेस के ऊपर जो है बिल्ड कर सकते हैं जी। आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास एक चार्ट आ गया यहाँ पे, कि इसमें आप देख रहे हैं कि कैटेगरीज ऑफ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जो वन है अनशील्डेड, आप देख रहे हैं कि तकरीबन लेस देन 0.1, जिसको हम टेलीफोन केबल के तौर पे भी आप देख रहे हैं यूज़ करते हैं। जो टू है ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ओरिजिनली यूज इन टी लाइन, ठीक है। और ये इसकी आपकी क्या स्पीड है, ये आपके पास 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, जिसको हम T1 लाइन कहते हैं। एक्चुअली T1 जो लाइन, जो उसकी एग्जैक्ट स्पीड होती है, दैट इज 1.54 मेगाबिट्स, ठीक है। कैटेगरी 3 क्या है कि जिसको इम्प्रूव किया गया था, कैटेगरी 2 यूज इन लैंस, जो आपके पास 10 मेगाबिट्स है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बेसिकली जो ये वाली है, जो अभी मैं आपको बता था, ये ऑलमोस्ट ये CAT 1 है, ये CAT 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 10 हो गया। देन आपके पास इम्प्रूव्ड CAT 3, यानी कैटेगरी जिस तरह हमने बस टोपोलॉजी पढ़ी थी, रिंग टोपोलॉजी पढ़ी थी, हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी थी, हमने मैश टोपोलॉजी पढ़ी थी, तो हमने उन तमाम टोपोलॉजीज में क्या डिस्कस किया था कि जो आपका रिंग नेटवर्क है, या तो वो 4 मेगाबिट्स के ऊपर काम कर रहा होता है, या वो आपका 16 मेगाबिट्स के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास CAT 3 है, ये यूज इन टोकन रिंग्स नेटवर्क, और इसकी क्या डाटा रेट है, 20 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज़ हो रही है। देन आपके पास केबल वायर इज नॉर्मली 24 AWG विद अ जैकेट एंड आउटसाइड शील्ड, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपकी जो है, ये है आपकी 100 मेगाबिट्स है। फिर आपकी एन एक्सटेंशन टू कैटेगरी 5 दैट इंक्लूड्स एक्स्ट्रा फीचर्स टू मिनिमाइज द क्रॉस टॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटरफेरेंस, इट इज़ 125, और ये आपके पास लैन आ गया, ठीक है। फिर आपके पास ए न्यू कैटेगरी विद मैच्ड कंपोनेंट कमिंग फ्रॉम सेम मैन्युफैक्चरर, द केबल मस्ट बी टेस्टेड एट 200 मेगाबिट्स। यानी यहाँ तक देखें, हम जो बात कर रहे हैं कि वो 1000 मेगाबिट्स है, लेकिन यहाँ तक टेस्ट की हुई है, आगे वो कितना डाटा सेंड करती है, रिसीव करती है, ये आपके वेंडर ने टेस्ट नहीं किया हुआ, लेकिन जो उसकी टेस्टिंग हुई हुई है वो आपकी किस स्पीड तक हुई हुई है, वो आपकी 200 जो है वो मेगाबिट्स पर सेकंड पे हमें उसकी टेस्टिंग की हुई है, कि यहाँ तक वो आपका डाटा सेंड और रिसीव जो है वो कर सकती है। आपके पास 7 समटाइम्स कॉल्ड SSTP शील्डेड स्क्रीन ट्विस्टेड पेयर, ईच पेयर इज इंडिविजुअली रैप्ड हेलिकल मेटेलिक फॉयल फॉलोड बाई मेटेलिक फॉयल शील्ड इन एडिशन टू द आउटसाइड शील्ड, द शील्ड डिक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ क्रॉस टॉक एंड इंक्रीजेज द डाटा रेट। यानी इसमें क्रॉस टॉकिंग कम है आपकी, नॉइस कम है, ठीक है, डिस्टॉर्शन कम है, जिसकी वजह से आपका जो डाटा रेट है वो काफ़ी ज़्यादा आपका फास्ट ट्रांसमिट हो रहा है, आप कर रहे होते हैं क्रॉस द नेटवर्क। तो ये आपके UTP के कनेक्टर्स हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी एक सिमुलेशन टूल है उसके बारे में बताऊंगा, उसमें आपको सारे कनेक्टर्स इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी। ये आपके पास क्या है, ये RJ45, जिसको हम फीमेल कनेक्टर भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये आपकी पिन 1 है, ये 2 है, इसमें 8 पिन होती हैं। बेसिकली जब आप अगर UTP की केबल को देखें तो उसमें कलर्स होते हैं, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ठीक है, OBGB। तो आप अगर हर कलर से पहले एक लगा दें, वाइट ऑरेंज, फिर वाइट ब्लू, देन वाइट ग्रीन, देन वाइट ब्राउन, तो ये आपने उसके आगे 4 कलर्स और लगा दिए, ठीक है। तो आप जो वाइट ऑरेंज है उसको 1 कह देंगे, ऑरेंज को 2 कह देंगे, तो ये टोटल आपकी 8 केबल्स बन जाती है। यहाँ भी 8 है ना, तो अगर हम 1 को कहें वाइट ऑरेंज, देन ऑरेंज, ठीक है, OB, फिर वाइट ब्लू, फिर ब्लू, फिर आपकी OBG, फिर आपके पास जो है इसमें आ जाएगी वाइट ग्रीन, देन ग्रीन, देन वाइट ब्राउन, देन ब्राउन, तो OBGB, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन। इससे पहले आप अगर एक वाइट केबल लगा दें तो ये आपके पास टोटल बन जाती हैं। ये आपके पास RJ45, ये आपका मेल
कनेक्टर बन जाता है जो आप जाके अपना अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में प्लग इन करते हैं। ये वो आपका कनेक्टर है जो आप जाके अपने उसमें जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है इसमें उसको जाके आप जो प्लग इन करते हैं। तो ये आपके पास RJ45 फीमेल कनेक्टर है और ये आपके पास RJ45 मेल कनेक्टर है। इसको हम टेक्निकल वर्ड्स में इसको हम फीमेल कनेक्टर कहते हैं और इसको हम मेल कनेक्टर कहते हैं। अच्छा, ये अब आप ये देखें कि जो हमारे पास UTP की इसकी जो हम आपकी जो है परफॉर्मेंस है वो अगर आप इस ग्राफ में देखें कि इस एंड के ऊपर आपकी डोनेशन है जो db/किलोमीटर में दी हुई है, इस एंड के ऊपर आपकी डिफरेंट टाइप की जो जो आपको शो की हुई है कि आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है जो आपको जो है किलोहर्ट्ज़ में दी हुई है। कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, 10 है, फिर यहाँ 100 है, 1000 है। तो ये आपकी 18 गॉज है, ये आपकी 22 है, ये 24 है, 26 है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका डायमीटर क्या आ रहा है, इसका डायमीटर क्या आ रहा है, इसका डायमीटर क्या आ रहा है, इसका डायमीटर क्या आ रहा है। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं इन केबल्स का जो है डिफरेंट टाइप का डायमीटर। देन आपके पास नेक्स्ट जो केबल है वो आपके पास क्विक्सेल केबल है। क्विक्सेल केबल के अंदर आपके पास क्या है कि एक तो आपके पास जो है वही सेम जो आपका प्लास्टिक कवर उसमें था यहाँ भी आ गया। ये आपका इंसुलेटर है, ये आपका आउटसाइड या आउटर कंडक्टर है और ये आपकी इनर शील्ड है। तो इसमें कहते हैं होगी कंपोनेंट्स 1, 2, 3 एंड 4। इसके जो टोटल आप देख रहे हैं कि जो आपके टोटल यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हो गए हैं, एक आपका प्लास्टिक कवर हो गया, एक आपका इंसुलेटर हो गया, एक आपका आउटर जो हो गया इसमें हो गया कंडक्टर और एक आपका इसमें कंडक्टर हो गया। तो ये आपके 4 कंपोनेंट्स हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। एक आपका जो है वो प्लास्टिक कवर है, एक आपका इंसुलेटर है, एक आपका आपका आउटर है और आपका 4 जो है वो आपका इनर कनेक्टर है। क्विक्सेल केबल का प्रॉब्लम ये है कि ये 10 मेगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर डेटा ट्रांसफर करती है। उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक थिक नेट होती है, एक थिन नेट होती है। ये भी मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको मैंने ये भी बताया था कि थिक नेट में और थिन नेट में क्या डिफरेंस होता है, हम थिक नेट कहाँ यूज़ करते हैं और थिन नेट कहाँ यूज़ करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं कैटेगरीज ऑफ क्विक्सेल केबल RJ59, ठीक है, यूज़ ये कहाँ यूज़ होती है, जो RJ59 है ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम अपनी केबल टीवी में यूज़ करते हैं। जो घर पे आपके पास केबल आ रही होती है जिसपे आप अपने डिफरेंट चैनल्स को स्विच कर रहे होते हैं तो उसको देख रहे होते हैं, तो ये आप कहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, ये आप वहाँ पर अपनी केबल टीवी पर यूज़ कर रहे होते हैं। RJ58 जो है ये थिन इथरनेट होती है, ठीक है, और RJ जो आपकी 11 है ये थिक इथरनेट होती है। मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी, एक थिक नेट और एक थिन नेट। तो उसकी जो कैटेगरीज होती हैं, जो उसके टेक्निकल कोड्स हैं वो क्या हैं कि थिन नेट को हम क्या कहते हैं, RJ55 कहते हैं, और हम थिक नेट को क्या कहते हैं, RJ11 कहते हैं। अब आपके पास BNC स्टैंड फॉर ब्रिटिश नेवल कनेक्टर, ठीक है, ब्रिटिश नेवल कनेक्टर ये आपकी टाइप है। जो BNC कनेक्टर रहेंगे हम जब भी इसको यूज़ करते हैं तो ये आपकी वो केबल आ रही है, ये आपका वो जो है BNC जो आपका कनेक्टर है, ये आपके पास BNC T है, टी वहाँ यूज़ होती है। आप देखें कि अगर आपने एक ये या आपने अगर अपना एक नेटवर्क लेआउट करना है, आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं तो आपको जिस तरह घर में भी आपने देखा होगा जो आपके पाइप्स होते हैं, जो आपके वाटर पाइप्स हैं, जहाँ पे आपने एक जंक्शन पॉइंट देना है या एक आपने पॉइंट और लगाना है वहाँ पे, तो आप ये देख रहे हैं कि ये केबल आ रही है यहाँ पे, ये आपका सिस्टम लग गया और ये केबल आगे चल रही है, फिर एक पॉइंट देना है आपने, फिर इसी तरह वहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, फिर वो आप उसको अगर ले जाएंगे वहाँ पे आपने एक पॉइंट देना है तो आप एक पॉइंट वहाँ पर मजीद दे देंगे। तो जहाँ पर आपने अपने डिफरेंट पॉइंट्स देने होते हैं वहाँ पर आप BNC T कनेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं, और ये आपका BNC टर्मिनेटर है जो आपकी ग्राउंड वायर के ऊपर हो रही है। कि जब आपने सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना है, हमने क्या कहा था कि जब बस टोपोलॉजी में अगर आपके पास 5 सिस्टम्स हैं या अगर आपके पास 5 कंप्यूटर्स हैं और एक ने ट्रांसमिट करना है डाटा 5 को, जब 1 सिस्टम डाटा ट्रांसमिट करता है सिस्टम 5 को तो वो मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है, वो मैसेज 2 भी रिसीव करता है, 3 भी रिसीव करता है, 4 भी रिसीव करता है और 5 भी रिसीव करता है।
लेकिन जिसका पैकेट होता है वो उसको रिसीव करके बाकी सारे उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्डिंग के बाद जो आपके केबल के टर्मिनेटर्स होते हैं वो उस डेटे को एब्जॉर्व करते हैं। तो जो जो आपके टर्मिनेटर्स होते हैं वो आपके जितने भी अनवांटेड डेटा होता है, सिग्नल्स होते हैं, उसको जो एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। कोएक्सियल केबल की अगर आप परफॉर्मेंस देखें उसी तरीके से, ये आपका टर्मिनेशन है, ये आपके पास एक चार्ट एफिकेंसी का 0.01 से लेकर 100 किलोवाट्स तक। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपकी 2.9 mmR आ रही है, ये 4.4 mmR आ रही है, और ये आपके पास 9.5 mmR आ रही है। अगर आप बैक स्लाइड में जाएं तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से हमने वहाँ पे उसको किया, लिंक किया है। तो यहाँ तक ये अब आपका ग्राफ आ गया क्रिस्टल केबल का। नेक्स्ट हम जाते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रे। अब आपके पास जो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ आपके जो आपके केबल्स हैं जब आपने उसे बेंड करनी है, तो आप ये देख रहे हैं कि लेस डेंस, ये एक होती है मोर डेंस, एक लेस देन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लेस देन जो आपका एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल है, और ये आपकी रिफ्रैक्शन है, ये यानी ये जो आपका है आप ये कह लें कि आई या वन से लेस देन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इज इक्वल टू, ये उसके बिल्कुल इक्वल आ रहा है जो आपका डेंस मोर जो होता है। यहाँ पे आपका जो क्रिटिकल एंगल है या जो आपकी रिफ्रैक्शन है वो बिल्कुल इज इक्वल टू आ रही है वन के, और ये यहाँ पे ये आपका बैलेंस हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे कि आपके पास जो वन या आई है वो आपका ग्रेटर देन है, जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो आपका उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आपका एंगल बन रहा है वो इससे ग्रेटर बन रहा है। देन आपके पास ऑप्टिकल फाइबर में आप देख रहे हैं कि एक आपके पास शील्ड आ रही है जिसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। ये आपके पास एक सेंडर है, ये आपके पास एक यहाँ पे रिसीवर है। अब ये आप डेटा सेंड कर रहे हैं, ये आपका वो कोर लिंक है जो सेंड हो रहा है। तो दोनों जो आपकी इसके ऊपर भी एक शील्ड जा रही है जिसको क्लैडिंग कहते हैं, और एक आपकी बॉटम साइड के ऊपर भी शील्ड जा रही है जिसको आपके कहते हैं क्लैडिंग कहते हैं। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट, जिस स्पीड से आप लाइट ऑन करते हैं और जितनी तेज़ी से कमरे में वो ठीक है आपकी रोशनी होती है, जस्ट लाइक जो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स की ट्रांसमिशन होती है वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट की ही तरह होती है, कि जिस तरह आपकी स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही होती है एग्जैक्टली जो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स होती है उसकी स्पीड भी जो वही होती है। ठीक है, अब हम अपने प्रोपगेशन मोड्स देखते हैं जो आपके फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं, कि आपके फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर कौन कौन से मोड्स हैं। ठीक है, हमने मैंने आपको फाइबर ऑप्टिक्स के स्टार्ट में बताया था कि एक आपके पास डबल एमएफ मल्टी मोड फाइबर है, और एक आपके पास एसएमएफ है जिसको आप सिंगल मोड फाइबर कहते हैं। जो आपके पास एमएमएफ है मल्टी मोड फाइबर, वो भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपके पास शॉर्टर डिस्टेंस है, आपने दो ब्लॉक्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, दो ब्लॉक्स को आपस में लिंक करवाना है, वहाँ पे आप जो है यूज़ करते हैं मल्टी मोड फाइबर यूज़ करते हैं। और आपके पास जो सिंगल मोड फाइबर है वो आपने कहाँ पे यूज़ करनी है, कि सिंगल मोड फाइबर जहाँ पे आपके पास आपका लार्जर डिस्टेंस है, एक आपकी ह्यूज बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे सिंगल मोड फाइबर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मोड है एक मल्टी मोड आ गया, पर एक आपके पास सिंगल मोड आ गया। अब मल्टी मोड में फिर आपके जो इसमें देयर आर टू सम मोड्स, एक आपका स्टेप इंडेक्स होता है और एक आपके पास ग्रिड इंडेक्स होता है। अभी हम इनको देखते हैं आगे कि स्टेप इंडेक्स में और ग्रिड इंडेक्स में डिफरेंस क्या होता है, और ये आपने स्टेप इंडेक्स कहाँ पे यूज़ करना है और आपने अपना ग्रिड इंडेक्स कहाँ यूज़ करना है, ये अभी हम जाके आगे देखते हैं। ये आपके पास जो मोड्स हैं, आप ये देखें कि हमने यहाँ बात की है सोर्स की, तो ये इट्स अ डिजिटल सिग्नल जो आप अभी देख रहे हैं कि ये जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पे जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये आपका सोर्स है, और डेस्टिनेशन के ऊपर आप कुछ इस तरह से
ये चीज़ ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये मल्टी मोड आपका स्टेप इंडेक्स है, यानी ये जो आपके पास बन रहा है ये आपके पास जो है मल्टी मोड आपका स्टेप इंडेक्स है, यानी सोर्स के ऊपर जो आपका एक सिग्नल है वो कुछ इस तरह का ट्रांसमिट हो रहा है, और डेस्टिनेशन एंड के ऊपर जो आपका सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ये ट्रांसमिट कर रहे हैं। देन आपके पास नेक्स्ट क्या है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, यानी ये आपका स्टेप इंडेक्स था, और ये आपका अब ये देखें ये कर्व, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कुछ अगर आपको अगर यहाँ सही नज़र आ रहा हो तो ये कुछ इस तरह से कर्व बन रही है, जबकि यहाँ भी आपके पास जो कर्व बन रही है वो कुछ इस तरह से कर्व बन रही है। तो ये आपके पास ये इट्स अ सोर्स और इट्स अ डेस्टिनेशन, ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास ये डेस्टिनेशन है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक आप जब डेटे को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ठीक है, यूजिंग मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, तो आपके पास कुछ इस तरह का डेटा आपको जो आपकी डेटा मूवमेंट है इसका शो हो गई, ये सोर्स आ गया, ये इसमें ये आपका आप ये देख रहे हैं कि इन तीनों में अगर आप गौर करें तो सोर्स इज सेम लेकिन डेस्टिनेशन एंड के ऊपर तीनों का रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सिंगल मोड है, ये देखें आप यहाँ पे एक ही डेटा लाइन ट्रांसफर हो रही है, देखें ये एक सिंगल मोड हो रहा है, यहाँ पे आपके पास मल्टी यानी आपका ये एक मोड दूसरा मोड मल्टी और ये एक मोड ये जा रहा है एक मोड ये जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास मल्टी मोड जो है स्टेप इंडेक्स जो मैंने पीछे डायग्राम में आपने इंडेक्स डायग्राम देखी थी तो ये वो आ रही है। तो अब ये देखें कि तीनों डायग्राम्स में अगर आप गौर करें तो आप ये देखें कि जो आपके पास सोर्स है ये आपके पास एक डिजिटल सिग्नल है, यहाँ पे ये सोर्स है लेकिन डेस्टिनेशन कुछ और आ रही है, यहाँ पे भी आपके पास ये सोर्स में है डेस्टिनेशन में कुछ और आ रहा है, ये आपके पास सोर्स है डेस्टिनेशन में कुछ और आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि इट्स अ मल्टी, ये जो फर्स्ट था ये हमारे पास मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स था, सेकंड में हमने क्या किया मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स को डिस्कस किया, और थर्ड में हमने सिंगल मोड को देखा कि जिसमें आपके पास एक ही डेटा लाइन ट्रांसफ़र हो रही है। तो अब ये देखेंगे ये इसके तीनों मोड्स हैं और इन तीनों डायग्राम्स में सोर्स लेवल के ऊपर क्या चीज़ आ रही है और आपकी डेस्टिनेशन लेवल के ऊपर आप क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स का चार्ट आ गया जिसमें आपके पास कुछ इसका न्यूमेरिकल डाटा आ गया, हम उस न्यूमेरिकल डाटे को देखते हैं कि वो क्या है, कि अगर हम बात करें कि 50/125 तो ये क्या है 50.0, ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है माइक्रोमीटर्स बन रहा है, इसमें जो आपका क्लेडिंग है वो 125 बनेगा, ठीक है, यानी ये आपके पास 50 था और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास 125 था, ठीक है, आपने यहाँ लिखा था ना 50/125, तो ये आपके पास 50 है और ये आपके पास यहाँ पे 125 है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपका मल्टी मोड है और ये आपके पास कौन सा इंडेक्स आ गया, ये आपका ग्रेडेड इंडेक्स आ गया 62.5/125, तो ये आपके पास 62.5 हो गया कोर, और जो आपकी यहाँ पे क्लेडिंग आ गई वो 125 आ गई, तो ये मल्टी मोड आ गया और ये आपके पास ग्रेडेड इंडेक्स आ गया, ये आपके पास 100/125 आ गया, ये आपका 100 आ गया, ये आपके पास यहाँ पे 125 आ गया, ये आपके पास मल्टी मोड और ये आपके पास ग्रेडेड इंडेक्स आ गया 7/125 है, ये 7.0 आ गया, ये क्लेडिंग 125 आ गया और ये आपके पास सिंगल मोड आ गया। तो ये जो हमारे पास फाइबर टाइप्स है जो हमने इन टाइप्स को इसके साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिंक किया हुआ है कि ये टाइप है, ये इसमें कोर क्या है, इसमें क्लेडिंग क्या है, 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 और ये कौन सा मोड है, यानी इस डायग्राम में हम टाइप बता रहे हैं उसमें से कोर कितना है, उसमें उसकी क्लेडिंग क्या है, उसका वो कौन सा मोड है, वो किस मोड में यूज हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस डायग्राम में आपको बता रहे हैं। देन आपके पास फाइबर की कंस्ट्रक्शन के जो फाइबर केबल है वो कंस्ट्रक्ट किस तरह की जाती है, उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या, जिस तरह हमने देखी है कि आपके पास जो एसटीपी है या यूटीपी है या जो कोएक्सियल केबल है उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह है, वैसे ही आपकी जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसकी भी एक आपकी जो है प्रॉपर होती है कंस्ट्रक्शन होती है, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें नंबर वन आपकी क्या चीज़ आ जाती है, आउटर जैकेट आ जाता है, सेकंड क्या आ जाता है, इसमें आपका प्लास्टिक बफर आ जाता है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है, ये आपकी क्लेडिंग आ जाती है और ये आपके पास प्लास्टिक कोर आ जाता है। तो ये आपकी फाइबर जो केबल है, जब आपकी फाइबर केबल डिज़ाइन की जाती है बिल्ड की जाती है तो आप देख रहे हैं कि उसमें यहाँ पे उसकी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, एक आपकी आउटर जैकेट आ रही है, एक आपके पास जो इसका प्लास्टिक
बफर आ रहा है, एक इसमें प्लास्टिक कोर आ रहा है, एक इसकी थ्रेडिंग आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर, जब हम उसको केबल को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं फाइबर ऑप्टिक्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। अब फाइबर ऑप्टिक्स केबल के डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आप जब भी फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो आपके हमने ये भी पढ़ा था कि जो एक थ्री लेयर मॉडल पढ़ा था सिस्को का हमने, जिसमें हमने एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर कहा था कि इसमें ये तीन लेयर्स होती हैं जो आपकी सेवन लेयर के साथ लिंक करके हमने कहा था बनाई गई हैं, जिसमें हमने क्या कहा था कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, जो आपकी सेवन लेयर्स हैं उनको यहाँ पे कंबाइन करके थ्री लेयर मॉडल दिया था। फिर हमने फोर लेयर मॉडल भी पढ़ा था TCP/IP। थ्री लेयर मॉडल हमने क्या कहा था कि एक्सेस लेयर है, ठीक है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है और कोर लेयर है, ठीक है। हमने इन लेयर्स को डिस्कस किया था कि वो आपकी आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, SC कनेक्टर आ गया, दूसरा आपके पास क्या आ गया यहाँ पे ST कनेक्टर आ गया, और तीसरा क्या है MT RJ कनेक्टर। तो ये आपने ये भी देखना है कि जो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स है उसने कहाँ पे यूज़ होना है, किस टाइप की केबल है, आपको कहाँ पे वो केबल यूज़ करनी है। तो वो सारी चीज़ें भी आपने देखनी है कि जो आपके पास SC कनेक्टर है, ठीक है, उसका यूजेज, उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विद सिमुलेशन टूल कि ये आपका SC कनेक्टर है ये यहाँ यूज़ होगा, ये आपका SCT कनेक्टर है कि यहाँ यूज़ होगा, ये आपका MT RJ कनेक्टर है ये यहाँ पे आपका यूज़ होगा। ऑप्टिकल फाइबर की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो इससे जो इसमें ये आपका लॉस है जो DB या पर किलोमीटर है, और ये आपकी वेव लेंथ है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर की परफॉर्मेंस है दैट इज़ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अपनी क्विक्सिल केबल के साथ, इसको आप जो कंपेयर करते हैं, या आप इसको UTP केबल के साथ कंपेयर करते हैं, या आप इसको STP केबल के साथ कंपेयर करते हैं, तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है ये इसका कोई मैच नहीं है उन दो केबल्स के साथ। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत आउटस्टैंडिंग आपकी है, और हम जो इसमें डाटा रेट है, डाटा सेंडिंग और जो आपका रिसीविंग रेट है वो आपकी नॉर्मल नेटवर्क से बहुत बेहतर है, ठीक है। उसमें जो आपका कम्युनिकेशन रेट है, सेंडिंग और रिसीविंग जो रेट है वो बहुत बेहतर है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बाकी दो केबल्स के साथ। तो यहाँ तक आपका जो टॉपिक था दैट इज़ गाइडेड मीडिया, जो हमने शुरू में देखा था कि एक आपके पास गाइडेड मीडिया होता है और एक आपके पास अनगाइडेड मीडिया होता है, ठीक है। तो अब जो सेकंड आपके पास आ गया, ये आपके पास अनगाइडेड मीडिया आ गया, दैट इज़ इसको हमने द लास्ट फर्स्ट या सेकंड या थर्ड डायग्राम में वायरलेस और एयर कहा था। एयर और वायरलेस मीन के जो है अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर, कि जो आपकी इसमें कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, सेंड और रिसीव हो रहा होता है, उसमें फिजिकल कंडक्टर्स यूज नहीं होते। आप डायरेक्ट केबल अब ये नहीं करेंगे कि अगर आपने दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है तो उसमें आप डायरेक्ट केबल मूव कर दें या डायरेक्ट केबल सेंड कर दें। ये आप जिस तरह वायरलेस पे आजकल आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं भी जाते हैं हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं आपके, आप जाते हैं जस्ट उसको लिंक करते हैं या पासवर्ड देते हैं, आप किसी कहीं खाना खाने गए हैं कहीं होटल में रेस्टोरेंट के अंदर, तो अगर वहाँ पे वायरलेस का पॉइंट है और आपके मोबाइल फ़ोन में जो वायरलेस सर्विसेज हैं तो आप उसके साथ लिंक करके पासवर्ड डाल के अपने डेटे को सेंड और ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपनी मेल चेक कर सकते हैं, सारी काम कर सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बेटा कहाँ पे हो रही हैं, जहाँ पे आपके पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, सेंट्रल डिवाइस है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर टू एज वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं इस डेफिनेशन को फिर बेटा रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए कि अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स
without using a physical conductor. This type of communication is often referred to as wireless communication. ठीक है, अब wireless communication के अंदर जो इसमें types आ जाती हैं, एक आपकी radio wave आ जाती है, दूसरी आपके पास जो है वो इसमें microwave आ जाती है, और जो third आपके पास वो आपके पास infrared आ जाती है. तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन रेडियो वेव. यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ भी बताता जाऊँ कि जो आपके पास जो आपका वायरलेस है, वायरलेस में आपकी क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं. एक तो आपको सेंट्रल डिवाइस चाहिए, एक्सेस पॉइंट चाहिए, या और अगर आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप में भी वायरलेस कार्ड होना चाहिए. और अगर आपके लैपटॉप आपके फर्ज किया कि थोड़ा सा पुराना मॉडल है, पेंटियम 3-4 है, उसमें वायरलेस कार्ड नहीं है, तो आपको मार्केट से USB डोंगल्स मिल जाती हैं वायरलेस, वो आप उसमें लगा सकते हैं. और अगर आप डेस्कटॉप PC यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको एक वायरलेस कार्ड मिल जाएगा जिसके साथ छोटा सा एंटीना भी होता है. जब आप वो अपनी PCIe स्लॉट में आप सिस्टम को, जो आपका CPU है, जब आप उसको ओपन करेंगे और उसके मदरबोर्ड के ऊपर वो अपना कार्ड जो इंसर्ट करेंगे, तो वो आपके पास एक PCIe स्लॉट में वो कार्ड लग जाता है. उसके बाद आप उसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेंगे तो वो भी आपके वायरलेस एक्सेस पॉइंट को यूज़ कर सकता है, लिंक कर सकता है, और अपना डाटा जो है सेंड और रिसीव उसके ऊपर भी कर सकता है. तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन है ये आसान है, लेकिन इसके अपने ड्रॉबैक्स भी हैं. ठीक है, सबसे बड़ा इशू इसके अंदर क्या है, इसमें आपका जो मेन इशू है वो सिक्योरिटी का इशू है, कि इसकी जो डेटा की रिलायबिलिटी है, डेटा कितना सिक्योर ट्रांसमिट होगा, वो ज़्यादा आपको इस चीज़ की आपको सिक्योरिटी नहीं है. सेकेंड जो है, ठीक है, इसके अंदर ये एक प्लेन एरिया में तो बहुत सही काम करता है. अगर आपका एक बड़ा सा हॉल है, बड़ी बिल्डिंग की हॉल है, तो वहाँ तो आपके डिफरेंट एक्सेस पॉइंट आपको फुल सिग्नल स्ट्रेंथ देंगे. लेकिन अगर हर्डल्स हैं, लाइक ऐसे बिल्डिंग है, एक कमरा उधर है, कमरा उधर है, दरमियान में नंबर ऑफ वॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो आपके पास सिग्नल लेवल की जो आपकी स्ट्रेंथ होगी, वो स्ट्रेंथ ज़्यादा बेहतर नहीं होगी. जब आप उसको कनेक्ट करेंगे, बाद दफ़ा आपने देखा होगा कि अगर आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ नीचे एक बार आ रही होती है वायरलेस की, कि सिग्नल 1, 2, 3, 4. तो अगर तो फुल सिग्नल शो कर रहा है, इट मीन्स कि आप 100/100 कनेक्टेड हैं. आपको जो कम्युनिकेशन स्पीड है, जो डाटा ट्रांसमिट रेट है, वो बेहतर मिलेगा. लेकिन अगर वो वहाँ पे जो आपकी सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ है वो 1 या सिर्फ 2 सिग्नल्स आपको शो हो रहे हैं, तो फिर जो आपका डाटा ट्रांसमिशन है वो इतना बेहतर नहीं होगा. ठीक है, उसमें ये नहीं होगा कि जो आप अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं या सेंड या रिसीव कर रहे हैं, तो जो आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो वीक है. जब आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक है, तो जो आपकी डाटे की ट्रांसमिशन होगी, ठीक है, वो भी कम होगी, क्योंकि आपको फुल सिग्नल्स नहीं मिल रहे. इसलिए हम जब अपनी वायरलेस कम्युनिकेशन को डिप्लॉय करते हैं या उसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ से जाते हैं, तो बीइंग अ नेटवर्क डिज़ाइनिंग और बीइंग अ नेटवर्क कंसल्टेंट, ये देखना हमारा फ़र्ज़ है, इट्स अवर ड्यूटी, कि जो इसका प्लान है वो ये किस तरह का, जो उसका फिज़िकल लेआउट है, बिल्डिंग किस टाइप की है, इसमें हर्डल्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ वॉल्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, एक्सेस पॉइंट आप कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे. कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप नेटवर्क को डिप्लॉय कर दें और यूज़र, बहुत से यूज़र ऐसे हैं कि जहाँ पे वायरलेस का सिग्नल जा नहीं रहा, ठीक है, वो वायरलेस के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहे, या अगर हो रहे हैं तो हर 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद डिसकंटिन्यू हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनी वायरलेस नेटवर्किंग को डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, तो ये आपने सारे के सारे उसमें पैरामीटर्स देखने होते हैं, कि जो आपका वायरलेस नेटवर्क है, आप उसको किस तरीके से कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी वायरलेस की डिज़ाइनिंग है वो आपने कर तो दी है, लेकिन पॉइंट इतने दूर हैं कि वो जो आपके नोड्स हैं, जो आपके PCs हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो आपकी टेलीफोन डिवाइसेस हैं या मोबाइल डिवाइसेस हैं, वो वायरलेस के सिग्नल्स को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे. तो इन दैट केस आपको ये एक डिज़ाइनिंग का इशू है. जब आप वायरलेस को डिप्लॉय करते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि वायरलेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कंपैरेटिवली जो आपकी वायर्ड की डिप्लॉयमेंट है. तो बल्कि इसमें अब हम ये टॉपिक्स देखेंगे. एक इसमें हम वायरलेस में देखेंगे कि आपके पास
आपकी क्या होता है, रेडियो वेव्स होती हैं, एक आपके पास माइक्रोवेव्स होती हैं और एक आपके पास इंफ्रारेड होती है। तो अभी हम इन तीनों को देखते हैं कि रेडियो वेव्स क्या है, माइक्रोवेव्स क्या है और इंफ्रारेड क्या है। देखें, जो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है आपका, यहाँ पे जो आपका स्पेक्ट्रम फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन है, आप ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि ये रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव है, ठीक है। तो जो आपके पास ये देख रहे हैं कि इट्स 3 kHz एंड इट्स अप टू 300 GHz, ये आपका इंफ्रारेड है, ये आपका लाइट वेव है और ये आपके पास क्या आ रहा है, 900 THz तक आ रहा है। तो ये आपके पास एक सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये इसके जो पैरामीटर्स हैं, ये आपके पास ये एरिया जो है ये रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव का एरिया है, ये इंफ्रारेड का एरिया है और ये जो आपके पास है ये आपका यहाँ पे लाइट वेव है। ये आप देख रहे हैं कि ये आपके डिफरेंट टाइप के प्रोपगेशन मेथड्स हैं कि आप डेटा की जो प्रोपगेशन है वो आप किस तरीके से करते हैं या कैसे करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपकी ग्राउंड की प्रोपगेशन है बिलो 2 MHz, जब भी आप अपनी ग्राउंड की बात करते हैं तो ये आपने क्या रखना है, बिलो 2 MHz, यानी ये आपका 2 MHz से जो है बिलो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड आप देख रहे हैं स्काई प्रोपगेशन में क्या करते हैं कि 2 से 30 MHz के दरमियान, यानी मिनिमम 2 होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 30 होना चाहिए या इसके इन बिटवीन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो डायग्राम इस बन रही है और इसकी कोई डायग्राम इस बन रही है, देखें ये आपका वो टावर लगा हुआ है, ये टावर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो आपके ग्राउंड की प्रोपगेशन बन रही है वो आपकी बिलो 2 MHz बन रही है, जबकि जो आपकी स्काई की प्रोपगेशन है वो क्या है, वो 2 से 30 MHz के दरमियान है। और लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन जो है, जो आपकी लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन है वो कितनी है, वो आपकी यहाँ पे अबव 30 MHz है, कि जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी यहाँ पे अबव 30 MHz होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं कि जो आपका ग्राउंड है ये बिलो 2 MHz है, जो आपके पास यहाँ पे स्काई प्रोपगेशन है ये 2 से 30 MHz है, और ये आपके पास जो लाइन ऑफ साइट की जो है, जो आपकी हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट की जो है प्रोपगेशन, वो आपकी अबव 30 MHz है। तो ये आपके पास क्या चीज़ थी, ये आपके डिफरेंट प्रोपगेशन मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी वायरलेस में। ये आपके पास एक चार्ट आ गया, ये आपके बैंड्स आ गए। अब सबसे पहला बैंड क्या है, VLF, हम इन तमाम बैंड्स को भी डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट बैंड है ये क्या आपके पास, ये आपके पास है VLF, वेरी लो फ्रिक्वेंसी। इसकी रेंज क्या है, 3 से लेकर 30 kHz तक, और इसकी जो प्रोपगेशन टाइप है वो क्या होगी, वो आपकी ग्राउंड होगी। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन, जहाँ पर आपको लॉन्ग रेंज चाहिए तो ये आपकी लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। देन आपके पास क्या है, यहाँ पे LF है, LF क्या है, ये आपकी लो फ्रिक्वेंसी है, ये आपकी 30 से लेकर 300 kHz तक होती है, और इसकी जो आपकी प्रोपगेशन है ये भी ग्राउंड लेवल है, और ये क्या होता है, ये होता है आपकी रेडियो बिकॉन्स एंड नेविगेशनल लोकेटर्स, यहाँ पे आपके नेविगेशनल लोकेटर्स लगे होते हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं। देन आपके पास MF, ये आपकी मिडिल फ्रिक्वेंसी है, इसकी रेंज 300 kHz से 3 MHz है, ये आप यूज़ करते हैं स्काई में, और ये क्या है, AM रेडियो के लिए यूज़ होता है। देन आपके पास HF है, ये जो HF है ये आपकी हाई फ्रिक्वेंसी है, ये 3 से 30 MHz यूज़ होती है, और ये भी आपकी स्काई के लिए यूज़ होती है, ठीक है, सिटीजन बैंड शिप एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी 30 से 300 है, ये आपकी स्काई एंड लाइट ऑफ साइट। VHF TV FM रेडियो, जो आपके जितने भी FM रेडियो चल रहा है, TV चल रहा है, ये सारी की सारी आपकी 30 से 300 MHz की रेंज में आपका चल रहा होता है। UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी 300 MHz से 3 GHz लाइन ऑफ साइट, ये आपकी UHF TV और सेलुलर फोन्स, पेजिंग और सेटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होती है।
SHF सुपर हाई जो है, ठीक है, जो आपकी सुपर हाई फ्रिक्वेंसी है, ये 3 से 30 GHz है, ये लाइन ऑफ साइट, और आपकी सेटेलाइट कम्युनिकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। EHF एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी 30 से 300 GHz है, और ये लाइन ऑफ साइट, और ये आपकी रडार में और सेटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो ये आपके डिफरेंट बैंड से, ये इनकी डिफरेंट रेंजेस थी, ये डिफरेंट आपकी जो एप्लीकेशन थी, और ये इनकी डिफरेंट एप्लीकेशन थी कि कौन सी चीज़ आप कहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन के जो पैरामीटर्स हैं, एक आपके पास इसमें रेडियो वेव आ जाता है, एक आपके पास इसमें माइक्रोवेव आ जाता है, और जो थर्ड आपके पास वो आपके पास इंफ्रारेड है। अभी हम देखते हैं वन बाय वन। जो आपके पास ओमी डायरेक्शनल एंटीना क्या है, ये जो आपके पास एंटीना है, या आप जो देख रहे हैं कि आपके पास ओमी डायरेक्शनल एंटीना है, ठीक है, ओमी डायरेक्शनल एंटीना है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने जो वायरलेस के अंदर। अब आपके पास जो इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है कि रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडियो एंड टेलीविजन एंड पेजिंग सिस्टम्स। हमने शुरू में तीन चीज़ें देखी थी, एक यूनिकास्ट पढ़ा था, मल्टीकास्ट देखा था, और ब्रॉडकास्ट देखा था। हमने ये कहा था कि जो यूनिकास्ट है वो बिटवीन टू नोड्स है, बिटवीन टू पर्सनस है, बिटवीन टू मशीन्स है। जो आपके पास आपका मल्टीकास्ट है वो आपके जो आपके पास एक अगर एक मल्टीकास्टिंग जो है वो आपकी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए थी, और ब्रॉडकास्ट क्या था वो सबके लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आ रहा है ये मैं क्या बता रहा है कि रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडियो एंड टेलीविजन एंड पेजिंग सिस्टम। जो आपके पेजिंग सिस्टम्स होते हैं, जो आपका रेडियो है, जो टेलीविजन सिस्टम्स हैं, इन तमाम में हम जो है यूज़ कर रहे होते हैं रेडियो वेव्स को। ये आपके पास एक डिश एंटीना है, यानी ये आपके पास यूनी डायरेक्शनल एंटीनाज हैं, और ये आपका हॉर्न एंटीना है, ये आपकी इसमें वेव गाइड ये बन रही है, और आप ये देख रहे हैं कि ये आपका जो है ये आपका एक डिश एंटीना है। तो ये आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक आपकी डिश एंटीना की है और दूसरी आपकी हॉर्न एंटीना की है, ठीक है, और ये दोनों एग्जाम्पल आपकी यूनी डायरेक्शनल एंटीनाज की हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है कंसेप्ट, माइक्रोवेव आर यूज फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज सेलुलर टेलीफोन एंड सेटेलाइट नेटवर्क एंड वायरलेस लैन। तो जो आपकी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है वो आपकी एक तो यूज होती है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए। देखें जो यूनिकास्ट होता है, जब आप बात करते हैं सेलुलर टेलीफोन की बात करते हैं, तो वो बिटवीन टू पार्टीज के दरमियान कॉल हो रही होती है, ठीक है, बिटवीन टू नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो माइक्रोवेव आर यूज्ड फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज सेलुलर टेलीफोन, लाइक आपके जो मोबाइल टेलीफोन्स हैं, सेटेलाइट नेटवर्क्स हैं एंड वायरलेस लैंस हैं। तो वहाँ पे हम ये सारी की सारी चीज़ें, तो यहाँ पे जो आपका आपके पास जो ये की पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास माइक्रोवेव है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं। मैं इसको फिर एक दफ़ा आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ कि माइक्रोवेव आर यूज्ड फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज सेलुलर टेलीफोन एंड सेटेलाइट नेटवर्क्स एंड वायरलेस लैंस, वहाँ पे हम अपने यूज़ करते हैं माइक्रोवेव। तो इसके बाद जो सेकंड इसमें कंसेप्ट है, इंफ्रारेड सिग्नल्स कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इन अ क्लोज्ड एरिया यूजिंग लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। तो इंफ्रारेड जो आपके सिग्नल ये कहाँ पर यूज होते हैं, इंफ्रारेड सिग्नल्स कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इन अ क्लोज्ड एरिया यूजिंग लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। तो वहाँ पे आप यूज़ कर रहे होते हैं अपने इंफ्रारेड। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 7 ट्रांसमिशन मीडिया का। ये अभी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, यानी बुक का, तो आपका बैरोज हजन का तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमने इसको नेक्स्ट लेक्चर में इस पर मज़ीद हम ट्रांसमिशन मीडिया पर बात करेंगे। फिर हम उसमें देखेंगे कि केबल्स की जो आपकी UTP है या जो आपकी STB केबल है, उसकी जो टाइस होती हैं, क्रॉस केबल होती है, स्टेट केबल होती है, रोलओवर केबल होती है, वो केबल्स बनाई किस तरह जाती है। फिर हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर में अपनी एक पैकेट ट्रेसर की लैब भी थोड़ी सी देखेंगे कि जो आपकी स्टेट केबल है, जो आपकी क्रॉस केबल्स है, वो डिफरेंट डिवाइसेस में आप इसमें लिंक किस तरह होती है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, पैकेट ट्रेसर को आप कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या इशूज़ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये हम अपनी इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम अपनी
ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप्स को देखेंगे, उन तमाम चीज़ों को हमने किस तरीके से कंप्लीट करना है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप तब तक चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो केबल्स की टाइप्स हैं, केबल कैसे बनाई जाती हैं, उसकी वर्किंग कैसे की जाती है, ठीक है, हम पैकेट ट्रेसिंग में उसकी थोड़ी सी लैब भी करके देखेंगे। और लेकिन जब तक आप इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आप इसकी जो प्रैक्टिकल जितने भी इशूज़ हैं वो सारे के सारे नहीं समझ सकते। तो इंशाल्लाह आप चैप्टर नंबर 7 कम्प्लीट करें और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में इसकी लैब और इसी चैप्टर को थोड़ा सा मजीद कंटिन्यू करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया को। तब तक अल्लाह हाफिज़।